हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, इस वाली वीडियो में मैं कराऊंगा आपको माँ मनीषा देवी के दर्शन, तो आप वीडियो में जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मनीषा देवी जाने का मेन गेट है जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। तो मनीषा देवी जाने के लिए जो लोग पैदल नहीं जा पाते तो उनके लिए उड़न खटोला की भी व्यवस्था यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो हर घर की पौड़ी से आपको मनीषा देवी के लिए उड़न खटोले और कुछ बाइकें भी हैं जो आपको ऊपर तक छोड़ देती हैं, ठीक है। और बाकी पैदल रास्ता, बाकी पैदल का काफ़ी अच्छा रास्ता है। तो हम तो भैया पैदल ही आए हैं। हर की पौड़ी से माँ मनीषा देवी का मंदिर कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर जाने का रास्ता काफ़ी अच्छा है, तो ऊंचाई चलने में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं बाइकें भी कुछ ऊपर जाती हैं। तो आप देख सकते हैं मनीषा देवी की तरफ जाने में ऊंचाई से नीचे हरिद्वार कितना खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं नीचे हर की पौड़ी का। तो दोस्तों, हम बस मनीषा देवी मंदिर अब पहुंचने ही वाले हैं, बस अब थोड़ा सा दूर और बचा है। तो फाइनली हम अंदर मनीषा देवी मंदिर परिसर में हम अंदर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो मंदिर के बाहर काफी स्टॉल लगे हुए हैं, अब जो चाहे। माता मनीषा देवी के दर्शन हम कर चुके हैं, अब हम हर की पौड़ी पर जा रहे हैं। गंगा आरती का समय हो रहा है, वो भी अटेंड करनी है। तो अब हम मनीषा देवी से सीधा हर की पौड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये देखो, ये मेरे दगड़ू है जो मेरे साथ आ रखा है। ऊपर आते समय इसने बहुत टेंटा करी है, थक गया बेचारा। अब नीचे जाते समय तो तेज चल रहा है। शाम हो चुकी है और काफ़ी अच्छा नज़ारा अब नीचे का देख रहा है, मनीषा देवी से नीचे का देख सकते हैं। वो सामने यहाँ पे अगर चोटी आपको दिखाई दे रही है हल्का कोरा है, वो माता चंडा देवी है, चंडी देवी के मंदिर, वहाँ भी हम जाएंगे। तो आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखो नीचे का, तो देखिए सूरज जाने वाला है और नज़ारा काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। नीचे मनीषा देवी से नीचे का ये नज़ारा है हर की पौड़ी का, आप ये देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा।